हो गया आपके साथ? सर फ्रॉड हुआ था। क्या? सर टेलीग्राम पे वो टास्क कंप्लीट, टास्क देने के लिए। हाँ जी। स्टार्टिंग में कुछ थोड़ा सा मिनिमल प्रॉफिट दिया होगा। हाँ, वो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा कि काफी जेन्युइन है। जिंदगी में इतना पैसा जमा करेंगे तो फिर इतना तो मैं इन्वेस्ट करेंगे तो इतना ज्यादा वो होगा आपको। इस तरह का कितना फ्रॉड हुआ आपके साथ? 35,000। इलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद क्या स्टेप लेना जरूरी होता है? हाँ, ये बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जैसे अब फ्रॉड हो ही गया, पहले तो हम अवेयर रहने की कोशिश करते हैं। अब अवेयर रहे, पता चला हमारे साथ फ्रॉड हो गया, तो ऐसे में 1930 नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल है, स्टेट अभी आप ऑनलाइन कंप्लेंट करिए, 1930 कॉल करिए, आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो गई। इसके अलावा अगर आप इंदौर में रहते हैं, इंदौर में आपके साथ फ्रॉड हुआ है या फिर आपके किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, आपको ये साइबर हेल्पलाइन नंबर आपको जानना जरूरी होगा। हर डिस्ट्रिक्ट, हर पुलिस, जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है वो कहीं ना कहीं उसको नंबर को एक्सपोज करती है और वो नंबर पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करती है। जो इंदौर में अगर आपके साथ फ्रॉड होता है 7049124445, ये साइबर हेल्पलाइन नंबर हमने जारी किया है। इसमें आप कॉल करते हैं, तत्काल व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, व्हाट्सएप पर फिर एक फॉर्मेट आता है, आप उसको ऑनलाइन ही आप उसको मतलब व्हाट्सएप को भर के आप वापस भेज देंगे, तुरंत आपकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जिस अकाउंट से आपके किस अकाउंट से पैसा गया है, किस अकाउंट में गया, वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं और तुरंत ही उन बैंक को मेल करते हैं। जिस अकाउंट में पैसा गया तुरंत उस अकाउंट को हम सीज कराते हैं या फिर उसको होल्ड कराते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप जिनके साथ फ्रॉड होता है वो तत्काल 1930 नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल है, 1930 पे आप कंप्लेंट करें ऑनलाइन, या फिर अगर आप इंदौर के हैं तो 7049124445 पर तत्काल कॉल करिए, तो व्हाट्सएप पे आपका तत्काल एक फॉर्मेट आएगा, उसको भरेंगे और तुरंत ही टीम एक्टिव होकर जिस अकाउंट में पैसा गया है तुरंत उनको डीएक्टिवेट, उनको होल्ड करा देगी, फ्रीज करा देगी। जिन नंबरों से आपके साथ फ्रॉड हुआ, जिन लिंक से फ्रॉड हुआ है, उनकी तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी और कहीं ना कहीं हम कोशिश करते हैं कि कंप्लेनेंट का पैसा वापस आ जाए। अगर आप देखेंगे इस साल हमारे पास जितनी कंप्लेंट्स आई थी, लगभग 6000 कंप्लेंट्स आई थी 2023 में, हमने 4,10,00,000 रुपये कस्टमर के विक्टिम्स के वापस कराए। अच्छा। हाँ, तो अगर आप समय रहते बहुत तत्काल, जैसे आपके साथ फ्रॉड होता है तत्काल आप इसकी रिपोर्टिंग करते हैं तो ये फायदा होता है कि कई बार जो क्रिमिनल होता है उसके उसको पैसे को विदड्रॉ नहीं कर पाता है और ऐसे हमारे लिए पॉसिबिलिटी बनी रहती है हम होल्ड करा के। काफी बड़ी सिटी है और यहाँ पे आप क्राइम और साइबर क्राइम दोनों डिपार्टमेंट देख रहे हैं, तो इंदौर सिटी के हिसाब से आपको क्या न्यू चैलेंजेस आ रहे हैं? देखिए, अगर अपन देखेंगे तो अगर इंदौर की पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 50 लाख है। हाँ। और चूंकि मैं यहाँ पर एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच हूँ, तो क्राइम ब्रांच में क्राइम साइबर क्राइम विंग भी एक रहती है। इसके अलावा जो रूटीन के जो क्राइम्स होते हैं, सेंसिटिव क्राइम्स होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स होती हैं, उस पर भी हम काम करते हैं। साइबर क्राइम एक विंग है, अगर अपन देखें तो मेजर थ्रेट जो आगे जो बिगेस्ट चैलेंज है ऑल ओवर द ग्लोब ही चैलेंज है, ये दैट इज साइबर क्राइम। मतलब साइबर क्राइम इतना तेजी से हो रहा है और ये विक्टिम्स लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम देखेंगे इंदौर में, अभी आप ही ने देखा कि अभी जो लोग आना शुरू हो गए हैं विक्टिम्स, अगर हम देखेंगे तो पर डे 40-45 कंप्लेंट्स आ रही हैं जी साइबर फ्रॉड की। ये बिगेस्ट चैलेंज है और इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जो विक्टिम होता है यहाँ का, लोकल का, इंदौर का, और इनके साथ जो फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं वो ऑल ओवर इंडिया के होते हैं, बाहर के होते हैं, काफ़ी जो हजारों किलोमीटर दूर डिस्टेंस पर होते हैं। टिपिकली केस रजिस्टर्ड होता है, FIR करते हैं। साइबर तो कहीं से भी, साइबर वाले में तो क्राइम कहीं से भी हो सकता है। हाँ, या फिर हम केस उनको ट्रांसफर कर देते हैं। नो, हमारे यहाँ FIR होती है। हाँ। क्राइम ब्रांच में FIR होती है, हम कई FIR कर चुके हैं, कई गैंग्स को पकड़ चुके हैं, झारखंड, बिहार, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, राजस्थान, हरियाणा, मतलब कई स्टेट से हम, उड़ीसा, कई स्टेट से हम गैंग भी पकड़ चुके हैं। जब कोई बहुत बड़ा क्राइम होता है, साइबर फ्रॉड होता है, बड़ा अमाउंट होता है या किसी की लाइफ से रिलेटेड होता है, तो उसमें क्राइम ब्रांच खुद उसमें संज्ञान लेती है और खुद केस रजिस्टर कर आगे बढ़ती है। और अगर ऑर्डिनरी नेचर का केस होता है तो उसको हम फिर थाने पर ट्रांसफर कर देते हैं FIR के लिए और उसको असिस्टेंस देते हैं, क्योंकि डेली 40-45 कंप्लेंट्स आती हैं। अकेले क्राइम ब्रांच इनका इतनी तेज़ी से, इतने साइबर फ्रॉड की घटनाएँ बढ़ रही हैं, अकेले क्राइम ब्रांच इनमें FIR करना ये संभव नहीं है, तो संबंधित थाने को हम डिलीवर कर देते हैं।
सर आज के टाइम पे जैसा कि मे भी आपने देखा होगा कई सारी मूवीज आ रही है कि जिसमें थोड़ा सा हिंसा काफ़ी मात्रा में दिखाई जाती है और उसमें से कुछ रील्स या फिर छोटे छोटे वीडियो जो होते हैं वो काफ़ी ट्रेंडिंग में चलते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा माइंडसेट स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो यंग जनरेशन है, तो उनका माइंडसेट कहीं ना कहीं पे क्राइम की तरफ ज़्यादा ये हो जाता है। तो ऐसे केसेस में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, युवाओं के लिए जिस तरह से मैं कहना चाहूँगा, अगर सोशल मीडिया पे इस तरह के वीडियो भी चल रहे हैं तो दूसरे पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव वीडियो भी चलते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह से लेते हैं। युवाओं को है, युवा मार्केट में सब कुछ अवेलेबल है, ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। तो कई लोग युवा उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, इस तरह के जो जैसे कई मूवीज होती हैं, जैसे हिंसक मूवी अभी काफ़ी चल रही है और उसके क्लिप्स चल रही हैं, काफ़ी वीडियो चल रहे हैं, तो उससे लोग प्रभावित होकर उसी स्टाइल में काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा जो भी लोग उनके जो गाइडेंस देते हैं, उनके पेरेंट्स हैं, कहीं ना कहीं उनको ये समझाने की ज़रूरत है कि ये चीज़ें जैसे जैसे आपको अट्रैक्ट करती हैं, धीमे धीमे आपके माइंडसेट में वही वैसे ही माइंडसेट हो जाता हो, कहीं ना कहीं आप किसी आने वाले समय में कहीं ना कहीं आप एक फ्यूचर में क्राइम करने कर बैठते हो, ऐसी आशंका बनी रहती है। तो ऐसे में निश्चित रूप से मार्केट में सब कुछ अवेलेबल है, युवाओं को ये सिलेक्ट करना चाहिए हमें क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। डूज एंड डोंट्स लाइफ में सभी जगह होते हैं, तो इनको भी सोशल मीडिया में कंटेंट्स हर प्रकार का अवेलेबल है। अगर आप देखेंगे तो पोर्नोग्राफिक कंटेंट भी अवेलेबल है, एग्रेसिव कंटेंट भी अवेलेबल है, क्रिमिनल कंटेंट भी अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। अब ये डिपेंड करेगा हम अपने आप को डिसिप्लिन में रखते हुए किस तरह से सोशल मीडिया का उपयोग करें। टारगेट किया जाता है कि जैसे आप स्कूल में हो या फिर कॉलेज में हो तो वहाँ पे आप एक्स्ट्रा पैसा कमाओ, हम आपको वर्क फ्रॉम होम देंगे या फिर हम कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी देंगे, तो ऐसे भी काफ़ी सारी केसेस होती है। बिल्कुल, तो ऐसे केसेस में आप क्या बताना चाहेंगे कि अगर कुछ हो गया ऐसा? देखिए, सोशल मीडिया हमारा लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है और नेट इंटरनेट जो वर्ल्ड है वो हमारा इंटीग्रल पार्ट हो चुका है। आप हमारी हर एक्टिविटीज में इसकी हमें ज़रूरत है और हम इस पर डिपेंड हो चुके हैं, तो अब इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, इसको बेहतर ढंग से इफेक्टिवली इसको यूज किया जा सकता है जुडिशियसली। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर हम अवेयर रहेंगे, साइबर क्राइम से बचने का सिर्फ एक ही इफेक्टिव टूल है, दैट इज अवेयरनेस, किस किस तरह के अपराध होते हैं और किस तरह के कंटेंट जाते हैं, वो उस तरह से हमें देखना होगा कि किस तरह से क्राइम होते हैं। आपको अवेयर होना होगा, आपको लगातार सोशल मीडिया पे आप देखते हैं किस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं, जैसे टास्क ओरिएंटेड फ्रॉड है, जैसे मेरे पेज है, मैं फेसबुक है मेरा, और मेरा इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे मैं लाइव स्टडी बताता हूँ कि किस तरह से विक्टिम के साथ फ्रॉड होता है, वो सीधे उसको लाइव करता हूँ कि उसके साथ क्या हुआ। तो कहीं ना कहीं हमको बहुत ही सावधानी की ज़रूरत है, और किस तरह के क्राइम हो सकते हैं, जैसे एक्सटॉर्शन से ब्लैकमेल किया जाता है, जैसे कि टास्क ओरिएंटेड फ्रॉड होता है, जॉब रिलेटेड जो फ्रॉड होता है जिसमें कैटेगरी में आता है, कस्टमर केयर सर्विसेज फ्रॉड होता है, लॉटरी फ्रॉड होता है। आपको ये समझना होगा कि क्या फ्रॉड है, क्या सही है, क्या गलत है, इसके बीच में आपको डिफरेंस क्रिएट करना होगा, और डिफरेंस क्रिएट आप तब कर पाएंगे जब आप हर उसके लिए कंटेंट जो क्राइम हो रहा है उसके लिए अवेयर रहेंगे कि इस तरह के क्राइम हो रहे हैं। हम लगातार एडवाइजरी जारी करते हैं, आपको कहीं भी अगर सेक्सटॉर्शन आप टाइप करेंगे, साइबर फ्रॉड, तो आपको उसके बारे में कंटेंट मिल जाएगा, क्या बचने को उपाय हैं। हम अगर 6 से 8 घंटे सोशल मीडिया पे अपना एंटरटेनमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें 10 मिनट ये भी देखना होगा कि व्हाट टाइप ऑफ साइबर क्राइम आर इन ट्रेंड एंड व्हाट कैन बी मेजर इफेक्टिव टूल, इफेक्टिव मेजर्स अगेंस्ट दीज साइबर फ्रॉड्स। तो हमें ये भी थोड़ा सा, और हर जगह सोशल मीडिया पे या आप जाएंगे गूगल पे जाएंगे तो इस तरह के अवेलेबल है केसेज आपको, जिससे आपको पता चलेगा कि आप किस तरह के फ्रॉड होते हैं और किस तरह से बचना है। इंदौर में सिंघम जैसी छवि रखने वाले राजेश सर आज हमारे साथ हैं। सर, आपने इंदौर में लोगों के दिलों में इतना बेखौफ अपनी छवि बनाई है कि लोग इस समय राजेश सर को एक बहुत रिस्पेक्ट और मतलब एक डर के नजरिए से नहीं ये देखते हैं, सोचते हैं, उनके दिमाग में ये जाता है कि राजेश सर है वो हैंडल कर लेंगे। तो सर, ये कैसे रहा ये प्रोसेस, जनता इतना ज्यादा आपके लिए इतना बेखौफ कैसे फील करती है? देखिए, पुलिस का जो एग्जिस्टेंस है बेसिकली पब्लिक सर्विस के लिए, लोगों के लिए ही है। अगर लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो कोई भी सिस्टम बहुत अच्छे से इफिशियंटली वर्क नहीं कर पाएगा। राइट फ्रॉम द बिगनिंग, जब से मैं फोर्स में आया हूँ, जब से फील्ड जॉब में रहा हूँ, तो मैं पब्लिक के साथ हमेशा मिलके ही काम करता हूँ, क्योंकि उन्हीं में से आपका इंटेलिजेंस कलेक्शन होता है, उन्हीं में से आपको मुखर मिलते हैं जो इम्पोर्टेंट आपको सूचनाएं देते हैं। अल्टीमेटली
आपको सर्व ही पब्लिक को ही करना है, पीपल्स को करना है, लोगों को ही सर्व करना है, तो क्यों ना उनके बीच उन्हीं का हिस्सा बनकर उनके साथ मिलकर अगर इस काम को करेंगे तो न केवल आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी बल्कि आपका कॉन्फिडेंस भी आएगा और जो पुलिस और पब्लिक के बीच का जो ब्रिज है वो भी कहीं ना कहीं कम होगा और निश्चित रूप से एक दूसरे से काफी बेहतर ढंग से कम्युनिकेट करके समन्वय करते हुए इसको बेहतर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन रखेंगे। सर करियर का भी दो चॉइस होता है, तो आपके भी लाइफ में सर दो चॉइस शायद से रहा है, डॉक्टर और पुलिसिंग, तो सर डॉक्टर क्या कितना सच है ये? देखिए अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में देखें बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी ऑब्जेक्टिविटी राइट थ्रू आउट एकेडमिक करियर क्लियर होती है, और हम कुछ हम जैसे लोग बहुत है जिनको कुछ भी क्लियर नहीं होता, जैसे 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 चीजें आती जाती वैसे फेस करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। जब मैं टेंथ में था, इलेवेंथ में बायोलॉजी ली, जब बायो लिया तो फिर लोगों ने पेरेंट्स ने बोला बायो लो, बायो इम्पोर्टेंट है, तो डॉक्टर बन, जब जो बायो लेता है इलेवेंथ में उसको डॉक्टर बनना है। तो लेकिन मैं चूंकि मैं क्रिकेट बहुत खेलता था, मेरा अगर स्वयं का पूछे तो मैं क्रिकेटर ही बनना चाहता था। अच्छा। तो मैं खूब क्रिकेट खेलता था, छुप छुप के क्रिकेट खेलता था उस समय, मतलब घरों में, मतलब अभी फिर भी पिछले अगर आप देखेंगे 10 to 15 years में स्पोर्ट्स में माइंडसेट बदला है पब्लिक का, लोगों का, पेरेंट्स का, फैमिलीज का माइंडसेट बदला। अदरवाइज उससे पहले तो खेलने का अर्थ होता था कि आप पढ़ाई कम कर रहे हो, खेल ज्यादा रहे हो और आपके पढ़ाई पे, मतलब आपको करियर पे बुरा असर पड़ेगा। हाँ, तो आपको खेलने से रोकते थे, वो डायलॉग था सर, खेलोगे कूदोगे हाँ, खराब पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, तो वो उस टाइप का था, तो मतलब आपको रोका जाता था, आपको खेलने से। तो मैं क्रिकेट बहुत खेलता था, छुप छुप के जाता था, स्कूल से गायब हो जाता था, लेकिन अगर मैंने रन बना दिए तो पेपर में ही आ जाता था कि मैंने तो मैच खेला, राइस टेंड होती है ना, आज 45 रन बनाए, इनको मैंने तो मैच दिया गया, तो फिर मेरी पिटाई होती थी कि मैं स्कूल नहीं गया, मतलब बंक कर दिया। तो मैं बेसिकली क्रिकेट की तरफ जाना चाहता था, बायोलॉजी लिया, पेरेंट्स ने बोला तो फिर बायोलॉजी लिया, तो फिर मेडिकल में, फिर डॉक्टर के लिए मैंने प्रिपरेशन की, पड़ चुकी मैं उस समय अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सिंसियर था भी नहीं, मैं सिर्फ क्रिकेट, बस क्रिकेट देखता था, खेलता था, एक सपनों में ही रहता था। फिर धीमे धीमे ग्रेजुएशन हुई, मेरी मदर बहुत पहले पीएससी की तैयारी करती थी सिविल सर्विसेज की, जब मैं बहुत छोटा था, तो मुझे ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराने के कुछ एक रुपया या 50 पैसे मुझे मिलते थे, जब मैं शायद 5th class में 6th class में था, तो बस मैं ऐसे टिक करके मम्मी बताओ ऐसा क्या होगा 1 2 3 4, तो वो कराने के मुझे पैसे मिलते थे। तो फिर ग्रेजुएशन के बाद मुझे ऐसा लगा कि सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए, मेरे एक दोस्त के बड़े भाई तैयारी कर रहे थे, हमारी फैमिली में ये फैमिली फ्रेंड थे, मेरे पिताजी के फैमिली फ्रेंड थे बीएम शर्मा जी, तो वो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके थे, अपर कलेक्टर ग्वालियर में थे, तो उनका भी घर में आना जाना था, तो उनसे भी काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए। फिर मम्मी से तो बहुत पहले से ही, चूंकि मम्मी तैयारी करती थी, तो ऐसा लगता था कि सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी की जाए। तो 2 महीने का मैंने तैयारी की थी ग्रेजुएशन के बाद, मेरा प्रीलिम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल गया था, फिर मैंने मेंस की तैयारी की तो मेंस भी निकल गया था, फिर इंटरव्यू में कुछ मार्क्स से मैं रह गया था, बट फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मैं इंटरव्यू दे गया तो मेरा कॉन्फिडेंस काफी बढ़ गया था, तो सेकंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स से ही निकला, फिर थर्ड अटेम्प्ट में मैंने 16th रैंक आई मेरी, मतलब प्रीलिम्स निकला, मेंस निकला, 16th रैंक आई, और उसी साल मेरा यूपीएससी प्रीलिम्स भी निकल गया। तो ये मेरी जर्नी रही। सर इस पूरी जर्नी में आप मोटिवेट किससे होते रहे? बहुत लोगों से। एक्चुअली मैं ये मान के चलता हूँ कि जीवन में जो सिखाता है वही गुरु होता है, और जो गुरु होता है वही मोटिवेट करता है। तो आप जीवन में कितनी सारी चीजें सीखते हैं, आप केवल, मेरी मदर मेरी मोटिवेटर हो सकती है, मेरे बड़े भाई ने विपरीत परिस्थितियों में जाके, जैसे मेरे बड़े भाई ने बोल दिया था कि जब तक सिलेक्ट नहीं होगा तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। अच्छा। तो इतना सेक्रीफाइस करना, तो ये मोटिवेटर है, वो मेरा गुरु है कि कितनी विपरीत परिस्थितियों में अपना सेक्रीफाइस करते हुए अगर हम अपनी प्रायोरिटी को खत्म कर दें और सेक्रीफाइस करते हुए दूसरे को आगे बढ़ाएं, तो ये भी एक एक बड़ा एक करेक्टरिस्टिक है, तो वो गुरु है। क्रिकेट में मेरे कई गुरु रहे, मोटिवेशन सनत जयसूर्या क्रिकेट में मेरा था, तो मैं उसको एग्रेसिव अप्रोच थी उसकी। अगर सिंगिंग में देखूंगा तो जो मैं खुद कभी कभी गाने भी गाता हूँ। अच्छा। जब फंक्शंस होते हैं, परफॉर्मेंस होते हैं, हालांकि वर्दी की अपनी एक लिमिटेशन होती है, तो मैं किशोर कुमार है, स्टिंग जैसे है, स्टिंग वाला जो ग्रुप है, स्कॉर्पियंस है, पिंक फ्लॉयड, मैं काफी सुनता हूँ, तो इनसे भी काफी मोटिवेट होता हूँ। तो जो आपको सिखाता है वो आपका गुरु होता है। फिर मेरी जॉब में इतने लोग आए, सीनियर ऑफिसर्स थे, जैसे साई मनोहर साहब थे, तो मैं उनको काफी ज्यादा मतलब आइडल मानता था। फिर विपिन महेश्वरी आए तो उनकी वर्किंग को देख के मैं प्रभावित हुआ, तो उनको गुरु माना। फिर ऐसे कई अमित सांगी जैसे लोग आए, और फिर मकरंद देवस्कर जो हमारे कमिश्नर हैं,
कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो किसी न किसी में जो क्वालिटी होती है, अगर आप उससे सीखते हो तो वो आपका गुरु हो जाता है। तो मेरे ऐसे जीवन में एक गुरु बनाना बहुत मुश्किल है, एक नहीं कह पाऊंगा, बट जिन्होंने मुझे सिखाया वो गुरु है और मेरे गुरु कई है। सर ये तो थी आपकी चीजें। सर अगर हम क्राइम की बात करें तो इस टाइम पे सोशल मीडिया जितना हमारे लिए हेल्पफुल है उतना ही डेंजरस भी है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। तो सर इन सब चीजों से बढ़ता हुआ क्राइम इंदौर पुलिस कैसे हैंडल करता है? देखिए सोशल मीडिया जितना हेल्पफुल है उतना ही डेंजरस है। ये सोशल मीडिया के बारे में ही नहीं, जीवन में आप कोई भी एक्टिविटी उठा के देखें, कोई भी गेम्स उठा के देखें, कोई भी फील्ड उठा के देखें, कोई भी ऑब्जेक्ट उठा के देखें, जितना उसका पॉजिटिव पॉइंट होगा ठीक उसके विपरीत उसका ही उसका नेगेटिव पॉइंट होगा। आप कोई भी चीज उठा के देख लें, किसी भी पॉइंट पे आप डिस्कस कर लें, नेचर का बैलेंस ही ऐसा है कि ठीक जैसे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बैलेंस होता है। आप जितना पॉजिटिविटी होगी उतनी ही नेगेटिविटी होगी। तो ये तय है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमें कितना जबरदस्त बूम करती है, हमें कितनी फैसिलिटेट करती है, लेकिन इसके ठीक विपरीत उनके नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अपने घर में गैस से अपन खाना बनाते हैं, फट से खाना बनता है, गैस सिलेंडर है, कितना फायदा है, लेकिन आपकी थोड़ी सी चूक पूरे ब्लास्ट कर देगी, परिवार को भी खो सकते हैं। अगर आपने खुला छोड़ दिया 5 मिनट, आप देखिए उसके बाद आप लाइट करोगे, फायर करोगे और तन से ब्लास्ट होगा। इट मींस वो कितनी हर घर में सिलेंडर है, कितनी बेनिफिटेड है मतलब, लेकिन थोड़ी सी भी चूक हमारे जीवन को, कई जीवन को बर्बाद करेगी। ठीक उसी प्रकार ये मोबाइल है, पहले हम परेशान होते थे, एसटीडी में लंबी लाइन लगाते थे अपने परिजन से बात करनी है फोन के लिए, और तब भी फोन पर बात कर रहे होते लेकिन सामने बिल को देखते थे, चलता था कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, मेरी लिमिट इतनी है, ठीक है दीदी बात करता हूँ, अब मैं जा रहा हूँ, अब बस मेरे पास इतने पैसे थे और आप काट देते थे। और अभी अनलिमिटेड, तो अब आपके अनलिमिटेड है, आप विदेश में कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप कॉल के जरिए, और आप लगातार मतलब कहीं किसी से भी कॉल कर सकते हैं, और कोई भी बहुत पैसा नहीं लग रहा है, आप कितने कंफर्टेबल है। लेकिन ठीक उसके विपरीत जितना एडवांटेज है उतना ही इसका डिसएडवांटेज है। टेक्नोलॉजी में जैसे मैंने आपको बताया कि आपके लिए जितना यूजफुल है उतना ही वो आपके लिए डेंजरस है। आप इसको बहुत, अब आप देखें जो स्टूडेंट्स थे आजकल, अगर आप युवाओं को देखेंगे एक्सट्रोवर्ट थे, फील्ड एक्टिविटीज काफी होती थी, लेकिन अब वो इंट्रोवर्ट होते चले जा रहे हैं, अपने कमरे में घुसते जा रहे हैं, कमरे में भी बेड पे पड़े हुए और मोबाइल में उनका पूरा जीवन हो गया है, वो पूरी दुनिया ही उनके लिए साइबर क्राइम और साइबर वर्ल्ड हो गया है। तो कहीं ना कहीं उसके डिसएडवांटेज मिलेंगे। अगर मैं सुबह से लेकर शाम तक लगातार खेलता रहूं तो कहीं ना कहीं मुझे शरीर पर उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से लोग मोबाइल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं लगातार सुबह से लेकर रात तक, इवन रात में भी 2-2 बजे तक सोते हैं, सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर रील देखते रहते हैं, अकेले ही हंसते रहते हैं, अकेले ही इमोशनल होते रहते हैं उनको देखते हुए, तो कहीं ना कहीं अगर बैलेंस में इसका यूज करेंगे तो ये बेनिफिटेड है। अगर आप इसको अत्यधिक यूज करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। अगर देखेंगे मेरे यहाँ ये साइबर का भी, मैं एडिशनल डीसीपी की साइबर क्राइम ब्रांच इंदौर हूँ, यहाँ साइबर क्राइम भी एक विंग है, यहाँ पर डे 40-45 कंप्लेंट्स आती हैं जिसमें उनके साथ फ्रॉड हुआ होता है सोशल मीडिया, हाँ सोशल मीडिया के माध्यम से फ्रॉड हुआ या साइबर बुलिंग है, वो पैसा निकल गया, ब्लैकमेल किया जा रहा है, चाहे वो सेक्सटॉर्शन हो सकता है, चाहे वो टास्क ओरिएंटेड फ्रॉड हो सकता है, अब किसी प्रकार का फ्रॉड हो सकता है, 40-45% आते हैं और काफी दुखी होते हैं। ये संख्या लगातार बढ़ेगी क्योंकि जब हम ज्यादा से ज्यादा समय जब हम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये कॉमन सी बात है, इसकी नेगेटिविटी भी आएगी अगर हमने सावधानियां नहीं बरती, क्योंकि हम अपना समय इस पर ही सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। बेसिकली जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो स्वाभाविक हम चीजों से इंटरेक्ट होते हैं, अब उस वर्ल्ड में अगर समझदारी नहीं हुई तो आप फ्रॉड का बड़ी आसानी से शिकार हो सकते हैं, जो कि लोग हो रहे हैं। सर अभी क्राइम की बात कर रहे हैं हम, तो लेडीज को लेकर यहाँ पे इंदौर पुलिस, क्योंकि सर इंदौर मोस्टली टूरिज्म के लिए भी काफी अच्छा जाना जाता है, तो यहाँ पे बाहर से भी लेडीज आती हैं, अदर स्टेट से और इंदौर की लेडीज भी, तो सर लेडीज के लिए क्या यहाँ पे सेफ्टी प्रोवाइड की जाती है?
देखिए निर्भया मोबाइल ऑलरेडी चलती है यहाँ पर, और यहाँ पर जिस तरह से लगातार 100 डायल है, जिसमें कहीं भी किसी कोई कंप्लेंट अगर आती है, 100 डायल में एक आपात ऐप है जो कि ऐप के जरिए जो मोबाइल में अगर आपके पास अपलोड है तो उसमें कहीं कोई ऐसा इशू नहीं है। उसमें ऑलरेडी एक महिलाओं की सुरक्षा का एक वो पॉइंट है, तो जैसे अगर वुमेन्स को कुछ भी ऐसा लगता है डेंजरस तुरंत उसको वो करेंगे तो 5 मिनट्स के अंदर उनको पुलिस की, हाँ पुलिस की मतलब सिक्योरिटी मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ के जो लगातार समय समय पर अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं, जो कि महिला थाना प्रभारी है और जो महिला बल है वो जाकर स्कूल्स में कॉलेज में जाकर उनको क्या क्या रिमेडियल्स मेजर है, क्या क्या आपको थ्रेट हो सकते हैं, उनसे बचने के क्या क्या उपाय हैं, इसके संबंध में भी लगातार अवेयरनेस चला जाती है। प्रॉब्लम ये आती है कि कई जो महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं स्कूल से कॉलेज की, वो कुछ अगर उनके साथ कोई घटना होती है तो शुरू शुरू में उसको काफी वो कंट्रोल करती हैं, वो दबाती हैं और उसको शेयर नहीं करती, उनको ऐसा लगता है कि क्या होगा ठीक है जाने दो, लेकिन वही घटना धीमे धीमे करके उस व्यक्ति का जो क्रिमिनल का कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा और फिर वो किसी दिन बड़ी घटना हो जाती है। तो हम लोगों के बीच जाकर उनको ये, जो महिलाओं के बीच जाकर उनको ये आश्वस्त करते हैं कि सीक्रेसी आपकी रहेगी, आपको ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में आपके नाम का आ जाएगा तो आपकी बदनामी होगी। तो ये क्योंकि लोगों को ये लगता है थाने में जाएंगे तो पेपर में आ जाएगा और चैनलों पर चलेगा, बट हम उनको ये इंश्योर करते हैं कि गंभीरता के हिसाब से सीक्रेसी बड़ी इंपॉर्टेंट है और आपको इससे कोई खतरा नहीं होगा। दूसरा, आप ही किसी न किसी क्राइम को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा दे रहे हो, आप अपने खिलाफ होते हुए क्राइम को, आज लड़के ने आपको रोक के आपका नाम पूछा है, कल वो रोक के आपको एक फूल दे रहा है, धीमे धीमे उसकी हिम्मत बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से हम भी उसके क्राइम में सपोर्ट कर रहे हैं। तो लोगों को इतना जागरूक किया जा रहा है कि आप तुरंत शेयरिंग इज केयरिंग, अगर आप शेयर करते हैं तो हम तुरंत हमें पता चलेगा और कहीं ना कहीं आपको भी पता चलेगा और व्यक्ति डिमोटिवेट होगा, समय रहते हुए अगर उस पर कार्रवाई हो जाएगी। प्लस वहां पर हम नंबर्स भी देके आए हैं, जैसे कि साइबर क्राइम के भी नंबर होते हैं, क्योंकि कई जो महिलाएं हैं वो साइबर बुलिंग का शिकार होती हैं और उनको थ्रेट दिया जाता है कि आपको फोटो वायरल हो जाएंगे सोशल मीडिया में, तो वो डरती हैं और वो शेयर नहीं करती। मैं खुद ही 203 सेशंस ले चुका हूँ स्कूल कॉलेज में, नंबर देके आते हैं हमारे साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर, उनको ये इंश्योर किया जाता है अगर आप चाहती हैं ये कहीं शेयर नहीं किया जाए तो केवल ये आपके बीच, मेरे बीच और जो हमारी टीम में जो लोग काम कर रहे हैं उनके बीच रहेगी, कहीं भी डिस्प्ले नहीं होगा इसका। तो उनमें कॉन्फिडेंस आ रहा है, मेरे पास खुद इतने फोन कॉल्स आते हैं स्कूल से कॉलेज, सर आप हमारे कॉलेज आए थे, सर सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, एक लड़का था, एक 8th क्लास की बच्ची का फोन आया मेरे पास कि सर आप हमारे स्कूल आए थे, सर मुझे एक लड़का मेरा फोटो उसने ले लिया, मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, उनके पेरेंट्स मेरे ऑफिस आए और मुझे एक बुके देके गए, उसने ये बोला कि सर मेरे टीचर ने इतना कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं कर पाया उस बच्चे में, हम पेरेंट्स होने के बावजूद भी इतना कॉन्फिडेंस उसमें डेवलप नहीं कर पाए, लेकिन आप एक सेशन में गए, 1.5 घंटा आपने इंटरेक्शन किया और अपना नंबर देके आए थे सबको बच्चों को, और एक सेशन में उसने टीचर से बोला नहीं मुझे सर से बात करनी है और आपको कॉल लगाया, तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपका कैंपेन अच्छा चल रहा है। बट ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मैं ये बताना चाहता हूँ कि बच्चों को ये विश्वास दिलाया जाना, विक्टिम को ये विश्वास दिलाया जाना कि अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, विक्टिम के साथ कोई क्राइम होता है, उसकी रिपोर्टिंग होती है, मीडिया में चलता है, तो पता चला कि विक्टिम के साथ जो घटना हुई है उससे तो जितना विक्टिमाइज हुआ है वो हुआ ही है, उससे ज्यादा विक्टिमाइज वो ये जो पेपरों में खबरें आती हैं पड़ोस वाले ये वही लड़की है स्कूल में, अच्छा इसी के साथ हुआ है, तो इतना विक्टिमाइज होती है, तो कहीं ना कहीं हमें उसका ख्याल रखना होगा। तो ये सीक्रेसी प्राइवेसी किसी की भी कंप्लेंट की रखना बेहद जरूरी है, हमारे इसमें क्राइम ब्रांच में हम इसका बहुत ख्याल रखते हैं, किसी के साथ किसी तरह का फ्रॉड होता है सेंसिटिविटी के हिसाब से उसको डील करते हैं और उनको विश्वास दिलाते हैं। कहीं ना कहीं हमारे फोन कॉल्स बढ़ रहे हैं, कंप्लेंट्स बढ़ रही हैं, इस बात का परिचय है कि हम जो काम कर रहे हैं वो स्लोली सही लेकिन उसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं। सर आज बहुत सारे स्टेट में पिंक पुलिस भी काम कर रही है महिलाओं के लिए, निर्भया पुलिस ऐसा मैंने बताया, पिंक मोबाइल है हमारे यहाँ, बिल्कुल इंदौर में भी पिंक पुलिस बिल्कुल है, बिल्कुल। सर वैसे आपको आईपीएस के साथ साथ और भी कौन सी चीजें करना पसंद है, आपकी और भी जिम्मेदारियां या फिर कुछ भी होता है कि लाइक जस्ट ये मुझे करना है, आदत हो जाती है तो ऐसे? जैसे मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है, क्रिकेट से मेरे 2 काम हो जाते हैं, एक तो मैं अपने शौक को जिंदा रखे हुए मुझे अच्छा लगता है, दूसरा फिजिकली मेरी एक्सरसाइज हो जाती है, और दूसरा अगर आप देखेंगे लोगों के साथ लोगों की कंप्लेंट्स दिन भर सुनते रहते हैं और फिर जब उनकी कंप्लेंट सॉल्व होती है मिठाई लेके आता है कि सर थैंक यू वेरी मच, कभी कोई बुक लेके आ जाता है कि सर
ये बुक सर आपके लिए प्रेजेंट है सर, और सर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो ये आपको जब उसका जो कॉन्फिडेंस होता है, जब पहली बार आता है वो डरा हुआ, आंखों में आंसू होते हैं, तीन चार दिन बाद मैटर ऑफ टाइम कभी भी, मतलब जैसी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, जब वो आता है खुश होते हुए बुके लेके आता है, हंसता हुआ थैंक यू वेरी मच सर, और मुझे पुलिस पर काफी ट्रस्ट है सर, मैं एक फोटो लेना चाह रहा हूँ आपके साथ। तो ये चीजें आपको काफी सेटिस्फेक्शन देती है। अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे, कोई व्यक्ति ज्यादा काम या कम काम वो दूसरों के लिए नहीं करता है, वो स्वयं के लिए करता है। मेरे स्वयं का सेटिस्फेक्शन ये है कि अगर पर डे मैं लोगों को सुनता हूँ, दो से तीन प्रॉब्लम सॉल्व वो रोटेशन में आ जाती है, दो से तीन लोग आ ही जाते हैं पर डे, तो ये मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल है। मैं सेटिस्फाइड होता हूँ तो ये मान के चल रहा हूँ मैं काम कर रहा हूँ। मैं उनके लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं स्वयं के सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा हूँ, मुझे उससे संतुष्टि मिलती है, तो ये काम मेरा है। लोग कहते हैं कि आज मैंने 100 लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है मेरा सेटिस्फेक्शन था, मुझे अच्छा लगना था, मैं खुश हूँ। मैं किस बात से खुश हूँ? इस बात से खुश हूँ कि मैंने कई लोगों की बात सुनी और कहीं ना कहीं उसी का फ्रेंड बन के उसकी प्रॉब्लम को, उसी के कम्फर्ट जोन में रह के उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ये मेरे लिए स्वयं के सेटिस्फेक्शन का अचीवमेंट है, उसके लिए नहीं। अपना कैसा चल रहा है सोशल मीडिया में, क्या है बताओ? सिटीजन कॉप में, ये सिटीजन कॉप ऐप है, इसमें मोबाइल लॉस्ट होता है, इसमें कौन कौन से फीचर्स है बताइए इनको। इसमें क्या है कि अपने पास मतलब कि हर प्रकार की कंप्लेन आती है, एक मोबाइल लॉस्ट की भी आती है, सोशल मीडिया संबंधी भी आती है, और अगर किसी थाने संबंधी जो अपराध होते हैं उसकी भी इसमें कंप्लेंस आती है। तो जो संबंधित थाना क्षेत्र होता है वहाँ का केस आपकी एक ईमेल आईडी है उस पर अपन फॉरवर्ड कर देते हैं। बेसिकली ये एक ऐप है अगर आपके मोबाइल में है, तो ये ऐप अगर आपके मोबाइल में होता है तो आप इसमें कंप्लेंट कर सकते हैं ऑनलाइन। आपका मोबाइल खो गया तो आपको आप अपना पेपर लिए कहीं थानों में घूमते रहते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। सिटीजन कॉपी एक एप्लीकेशन है, इसको आप अगर डाउनलोड करेंगे तो इसमें ऑनलाइन आपको जो डॉक्यूमेंट्स होगा आप ऑनलाइन भेज देंगे और आप ऑनलाइन कंप्लेंट आपकी रजिस्टर्ड हो जाएगी। और अगर आपको अगर कोई परेशान भी करता है, कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इसमें आप थाने से संबंधित प्रॉब्लम होती है, ऑनलाइन आप कंप्लेंट करेंगे तो यहाँ से हम इसको ऑटोमेटिकली उसको ट्रांसफर कर देते हैं संबंधित थाने में कि कंप्लेंट आई है। वेरीफाई कौन करता है सर इसके लिए? वेरीफाई चुकी है या कि ये टीम बैठी होती है, कोई भी कंप्लेंट्स होती है हमारे पास, कोई कंप्लेंट आई तो सीधे हमने उस थाने को ट्रांसफर कर दिया। अब थाने से जब उसकी इंक्वायरी होगी तो उसका वेरिफिकेशन हो ही जाता है कि कंप्लेंट झूठी है या फिर किसी को परेशान करने का उद्देश्य दी गई है, बट ऐसा कभी होता नहीं है क्योंकि कंप्लेंट इतनी मेहनत करके और ऐप पर अगर कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करता है। इस ऐप से कितने लोग अवेयरनेस? बहुत बहुत। इसमें एक ऑप्शन होता है अपने पास ये लॉस्ट आर्टिकल का, इसमें क्या रहता है कि इसमें सिर्फ पर्टिकुलर मोबाइल्स वाली कंप्लेंट्स आती है, और ये वाले जो ऑप्शन है इसमें सारी ऑल ओवर कंप्लेंट्स आती है। तो ये जो मैंने आपको डाटा दिखाया है ऑल ओवर वाला है, और इतनी ही इसमें कंप्लेंट अपन मोबाइल वाली भी मान लीजिए, बल्कि उससे डबल। सर आपके नॉलेज में ये सर रहता है सब? मुझे डेली रिपोर्टिंग होती है और मुझे व्हाट्सएप पर भी पूरी रिपोर्टिंग का पूरा चार्ट आ जाता है कितनी कंप्लेंट्स आई, और इसके अलावा ये हमारी पूरी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल है, पूरी सीट ऑनलाइन हमारे ऑफिस दिखती है। और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल है जिसमें सोशल मीडिया पर किस तरह कहीं चाइल्ड पोर्न तो कंटेंट तो नहीं चले, तो इसमें ये वॉच करते रहते हैं। और इसके अलावा जो भी इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी जो भी जिस तरह की कई बार ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चलती है जैसे लॉ एंड ऑर्डर कोई सिचुएशन क्रिएट हो, तो ये लोग उसको वॉच करते हैं और संबंधित लोगों को बताते हैं तो उसको कंट्रोल करते हैं। गुड आफ्टरनून। देखिए अभी फिलहाल ये तो हम इंदौर में ये चल रहा है एवी केयर फॉर यू का, और ये सब इंस्पेक्टर मैम इसको देखती हैं, ये क्राइम ब्रांच का एक पार्ट है। जैसे महिलाओं से संबंधित जितनी भी कंप्लेंट्स आती हैं उसमें हम वॉच करते हैं, चाहे वो साइबर बुलिंग हो तो ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं, अगर फिजिकली कोई लड़का अगर किसी को परेशान कर रहा हो, फ़ोन कर रहा हो, आइडेंटिफाइड करके यहीं के वी केयर फॉर यू की टीम जाती है, तत्काल उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाइड करती है। बेसिकली महिलाएँ यहाँ पर आकर, लड़कियाँ फ़ोन पर भी कंप्लेंट्स करती हैं, इसके अलावा फिजिकली भी आकर कंप्लेंट्स करती हैं। तो ये केवल सोलली जो बच्चों की जो महिलाएँ हैं जो उनकी प्रॉब्लम्स के लिए ये वी केयर फॉर यू बनाया गया, उनमें ये विश्वास दिखाने के लिए कि हम आपकी केयर करते हैं और आपकी प्रॉब्लम्स को प्रॉम्प्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसका सर वैसे अगर मंथली की बात की जाए तो कितनी कंप्लेंट्स आती हैं? ये मैडम बताएंगे आपको। कंप्लेंट्स आती हैं वैसे मंथली 15 से 20 कंप्लेंट्स आती हैं। सोल्यूशन कितने का निकलता है वैसे? सोल्यूशन तो हम सभी का कोशिश करते हैं कि सभी का निकल जाए, अगर फरियादी संतुष्ट नहीं होती है तो फिर अगर थाना अगर FIR चाहती है तो फिर उनको थाने भेजते हैं FIR के लिए, क्योंकि FIR यहाँ पे नहीं होती। यहाँ पे हम इनिशियल समझाने की कोशिश करते हैं, जो उन्हें परेशान करता है उसको बुला के किसी भी तरीके से कि परेशान ना करे या क्यों कर रहा है या
पूरा? बेसिकली ज़्यादातर केसेज जो आते हैं वो स्टूडेंट्स के ही आते हैं, तो वो स्टूडेंट्स के करियर का भी सवाल होता है, तो एक बच्चा है जो पढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं पहले हम कोशिश करते हैं ये कोई क्रिमिनल तो नहीं है। अगर ये ऐसे ही स्टूडेंट्स की आपस में या फिर बच्चों बच्चों का, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स का अगर बीच का कुछ वो प्रॉब्लम कर रहा है, अगर उसको अवेयर नहीं है, वो कहीं ना कहीं उससे गलती हो रही है, तो बिठा के काउंसलिंग के जरिए हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर उसमें क्रिमिनल इंटेंट होता है देन फिर हम उसमें कॉग्निजिबल ऑफेंस होता है तो रजिस्टर करते हैं। कौन सा नंबर है सर इसका, अगर हम पब्लिक को वो करना चाहें तो इसका नंबर क्या है? 7049124444 मतलब ये इंदौर का है 7049124444। और अगर अपन साइबर क्राइम की जो कंप्लेंट करेंगे 7049124445 4 इज लास्ट में जो 44 2 डिजिट 44 7049124444 वी केयर फॉर यू 7049124445 साइबर। रोलेक्स पे मैंने ऐड डाला था तो भोपाल के कुक का फोन आया, तो हमारी बात चल रही थी कि भाई सैलरी वगैरह सब डिसाइड हो गई, और उसने वीडियो भी दिखाया कि मैं इस कैफे में काम करता हूँ। सारी चीज़ें डन होने के बाद उसने बोला कि सर मुझे एक टोकन मनी डाल दीजिए आप, ताकि 4-5 दिन बाद मैं कहीं किसी और के वहाँ नहीं जाऊँ। तो फिर हमने 5000 का उसको टोकन मनी डाला। ओके उसके बाद उसका एक बार और फ़ोन आया कि हम लोग जो है ये पूरा फाइनल हो गया, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, तो घर पर राशन पानी भर के आऊँगा, महीने भर बाद आऊँगा वापस। तो 7000 और उसके साथ सर फ्रॉड हुआ था क्या? सर टेलीग्राम पे वो टास्क कंप्लीट टास्क देने के लिए स्टार्टिंग में कुछ थोड़ा सा मिनिमल प्रॉफिट दिया होगा, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा कि काफ़ी जेन्युइन है। उसके बाद फिर धीमे धीमे इतना पैसा जमा करेंगे तो फिर इतना तो मैं इन्वेस्ट करेंगे तो इतना ज़्यादा वो होगा आपको। इस तरह का कितना का फ्रॉड हुआ आपके साथ? 35। ओके 35000 का फ्रॉड मैडम के साथ ले पास हो जाएंगे। ठीक है आप चले जाओ, कंप्लेंट कर दो, चले जाओ आप इन्हीं के साथ हो ना। हाँ जी ये सारे आपके जो ऑलरेडी आप लोगों ने जिस पे केस सॉल्व किए हैं, तो ऐसे काफ़ी सारे केसेस हैं, जैसे कि आपका 81 लाख वाला केस हो गया, या फिर ढाबे का कुक नकली शराब वगैरह वाला निकला, तो ऐसे कई सारे केस हैं, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए एक तो जिस तरह की जो बहुत सनसनीखेज घटनाएं होती हैं उनको जब ट्रेस करते हैं, जैसे 81 लाख वाला केस था, उसमें पैसा जमा करने के लिए वो लेकर आए थे, लेकिन उसमें से वो 81 लाख लूट के ले गए पिस्टल की नोक पर, फिर पूरी स्टोरी में गए इन्वेस्टिगेशन, पता चला कि वैसे ही कर्मचारी ने मिलकर वो लूट कराई तो पूरा पैसा रिकवर किया था पैसा। ये बेसिकली बहुत सेंसिटिव केस होते हैं जिससे सनसनी फैलती है, क्राइम ब्रांच उसमें एक्टिव होकर तत्काल एक्शन लेती है और सफल होती है। और ये पोस्टर्स ये डिस्क्लोज करने का अब मोटिव ये है कि जब लोग आते हैं कंप्लेंट तो उनको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि पुलिस एक्टिव है, पुलिस काम कर रही है और परिणाम मिलते हैं, हमारी भी प्रॉब्लम है वो निश्चित रूप से सॉल्व होगी। अगर हमारे साथ क्राइम हुआ है तो पुलिस कमिटेड है आपके लिए, आपके जो अपराधियों तक पहुंचने के लिए कमिटेड है, और कहीं ना कहीं कार्रवाई स्ट्रांग रूप से की जाएगी। जैसे इस तरह के केसेज हैं, भू माफिया थे जो कि 1 लाख से ऊपर के नामी थे, इनको उठाया था राजकोट से गुजरात से, तो इस तरह के ये डिस्प्ले करने का, और ये नकली नोट भी पकड़े गए थे, तो डिस्प्ले करने का सिर्फ ये है कि कहीं ना कहीं अगर कोई व्यक्ति आता है देखता है, अगर क्रिमिनल माइंड से आता है तो उसको इन सब चीज़ों को देखकर कहीं ना कहीं उसको साइकोलॉजिकल ये लगे कि पुलिस कभी भी आपको पकड़ सकती है, तो पुलिस आपके आप तक पहुंच सकती है, तो क्राइम प्रिवेंशन का एक अलग अलग जगह पे इवेंट्स होते हैं, तो उससे कितना स्टूडेंट्स में अभी जागरूकता हो रही है, उससे क्या फायदे हो रहे हैं? डेफिनेटली इसमें काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस हो रही है, और लोग कहीं ना कहीं जैसे ही कॉल आता है समझ जाते हैं कि उस समय सर ने बताया था ये फर्जी टाइप का फिर कॉल आ गया, तो कहीं ना कहीं जो लोग पढ़ते हैं वो समझ जाते हैं उनके साथ जैसे ही होता है। अगर आप देखेंगे मेरे पेज पे जाएंगे तो लाइव केसेज पड़े हुए हैं, विक्टिम आता है उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता, विक्टिम बताता है मेरे साथ ऐसा हुआ, तो कई मुझसे जुड़े हुए हैं, लगभग 1.5 लाख लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो जब वो लोग उसको देखते हैं तो कहीं ना कहीं फिर जब उनको फोन आता है तो वो रिकॉल कर लेते हैं, अरे ये तो फ्रॉड है जी। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस बहुत इफेक्टिव टूल है, अगर हमें साइबर क्राइम से लड़ना है लोगों को अवेयर रहना बेहद ज़रूरी है, आपको सोशल मीडिया पर जाना ही होगा, उसका उपयोग करना ही होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है तो केवल ये कि हम केवल एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, हम इससे बचने के जो सेफ गार्ड्स हैं उसके उपाय क्या हो सकते हैं उस पर भी हमें फोकस करने की ज़रूरत है। हम जितना चाहे उतना यूज करें सोशल मीडिया का, लेकिन कहीं ना कहीं जो थ्रेट्स हैं जो हो सकते हैं पॉसिबल थ्रेट उसके बारे में भी सजग रहें, अवेयर रहें, तो निश्चित रूप से आप साइबर फ्रॉड के से शिकार होने से बच जाएंगे जी।
तो सर इसके अलावा क्या होता है कि कई सारे ऐसे चाइनीज और बाकी भी ऐप्स हैं कि जहाँ से वो आपको थोड़ा सा मतलब लोन की जरूरत होती है तो वो तुरंत आपको अकाउंट में लोन दे देंगे। जो लोन रिलेटेड फ्रॉड है इसमें कुछ इस तरह के ऐप हैं जो कि स्टैंड लोन प्रोवाइड कराते हैं आपको, और 5,000 का लोन देंगे, 2,500 का लोन लेंगे, 10,000 और 10 करोड़ ज़्यादा मांगेंगे, 1,00,000 रुपये मांगेंगे, और फिर आपका चूंकि आप क्लिक करते चले जाते हो, आप अननोन लिंक को क्लिक कर देते हैं, आप ऐप को डाउनलोड करते हैं, आपको होश नहीं रहता आप किन चीज़ों को एक्सेस दे रहे हो, तो आप मतलब अनजाने में उन चीज़ों को एक्सेस दे देते हो, मीडिया गैलरी का एक्सेस दे देते हो, अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस दे देते हो, फिर क्या करता है वो आपके मीडिया गैलरी से फोटो निकाल के उनको मतलब एडिट करते हुए और या फिर ओरिजिनल फोटो को और वो एडिट करते हुए उनको ऑप्शन बना के उसको कुछ ऐसा पोर्न कंटेंट डाल के न्यूट करते हुए फिर उसको फिर धमकी देता है आपको कि जो कॉन्टैक्ट लिस्ट उसने एसएस में आई गई है कि हम आपके रिश्तेदार को भेज रहे हैं अगर आपने इतना पैसा नहीं दिया, उससे वो परेशान हो जाता है और कहीं ना कहीं सुसाइड भी कर लेता है। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा इंस्टेंट लोन ऐप को डाउनलोड करने से बचें, अननोन लिंक को क्लिक करने से बचें, क्योंकि अननोन लिंक को आप जैसे ही क्लिक करते हैं आजकल ऐसे APK फाइल हैं, फाइल्स आती हैं, आपके मोबाइल में ही एक ऐप डाउनलोड हो जाएगा, फिर आपका एक्सेस उस साइबर फ्रॉड फ्रॉडस्टर को मिल जाएगा। हमेशा जिस तरह से आप बाहर जाते हैं अब बड़ी कॉमन सी बात है, पहले भी हमें सिखाया जाता था कि परिचित अपरिचित व्यक्ति से बात नहीं करें, तो ठीक उसी प्रकार यही टैग वर्ड है अपरिचित लोगों से बात नहीं करें, पहले उसको वेरीफाई कर लें। अपर आपको फ़ोन कॉल करके लोग बोलते हैं, ल्यूक्रेटिव ऑफर्स देते हैं और आप कहीं ना कहीं लालच में आ जाते हैं और आपके साथ धोखाधड़ी हो जाती है, तो आपको समझदारी की ज़रूरत है, आपको कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है कि 1,00,000 रुपए के iPhone 15 अगर कोई थीम दे रहा है तो कैसे आ सकते हैं, और आप उससे प्रभावित हो जाते हो, आपको लगता है हो सकता है स्कीम आई हो, बट लाइफ में कोई ऐसी स्कीम नहीं होती जो आपको इतना डिफरेंस कर सके। अगर आप शॉपिंग ऑनलाइन शॉपिंग में जाते हैं, कोई प्रोडक्ट आपको 480 का मिल रहा हो, दूसरी उसमें शॉपिंग वेबसाइट पर जाएंगे तो 475 का मिल रहा होगा, तीसरे में जाएंगे तो 470 का मिल रहा होगा, पर वही प्रोडक्ट आपको अगर किसी शॉपिंग मतलब वेबसाइट पर 200 रुपये का मिल रहा हो या 100 रुपये का मिल रहा हो, तो आपको खुद समझना होगा कि ये कैसे संभव है, कहीं ना कहीं ये ल्यूक्रेटिव ऑफर देकर आपको ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है, तो जुडिशियली अपने माइंड को अप्लाई करना है जी। और सर कई बार ऐसे होता है कि जैसे हम ट्रैवल कर रहे हैं या फिर कहीं पे बाहर है और गलती से मोबाइल गिर गया या फिर कहीं पे गुमशुदा हो गया या फिर कहीं पे चोरी हो गया, तो ऐसे केसेस में सबसे पहले क्या स्टेप करना चाहिए? सिटीजन को मैं आप ऐप जो अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड करें, अच्छा सभी जगह ऐप बनाए जाते हैं, तो ऐप को आप ऐप को डाउनलोड करिए, सिटीजन को ऐप है उसको डाउनलोड करने के बाद जैसे ही अब आपका चूंकि मोबाइल ही चला गया तो आप आपके मोबाइल में तो रहेगा ही नहीं, रहेगा आप सिटीजन को आप किसी दूसरे में होगा तो वहां से कंप्लेंट कर सकते हैं। अच्छा, अदरवाइज जहां पर आपका मोबाइल गिरा है वो नई दिल्ली की थाने में जाके एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, उसकी रिसीविंग ले सकते हैं। जैसे समझ लीजिए मैं अभी उज्जैन से आया बट अब रास्ते में कहीं पे गिर गया मुझे पता ही नहीं चला, तो फिर ऐसे सिचुएशन में फिर हम किस तरह से ट्रेस करते हैं? हम इसमें सिटीजन को अपना कंप्लेंट कर दें, लिखित में कंप्लेंट कर दें, संबंधित थाने में कंप्लेंट कर दें, उसमें दो फायदे हैं, एक तो आपका मोबाइल मिलने की उम्मीद रहेगी, फर्स्ट पॉइंट ये कि मोबाइल आपको मिलने के काफ़ी चांसेस रहेंगे, अभी हमने 2 महीने पहले ही लगभग 300 कुछ मोबाइल सबको डिस्ट्रीब्यूट किए थे जो खो गए थे। सेकंड जो सबसे इम्पोर्टेंट है उस मोबाइल उस सिम से 1-2 दिन जब तक आप बंद कराएंगे दूसरी इशू कराएंगे तब तक कोई बड़ा क्राइम हो जाएगा तो वो फिर कहीं ना कहीं आपको परेशानी का कारण बनेगा, इसलिए जैसे ही आपका मोबाइल खोता है तुरंत आपको एप्लीकेशन दीजिए, अगर उससे कोई क्राइम होता है तो आपके पास वो रिसिप्ट होगी, देखिए सर मेरा मोबाइल खो गया था और इस मोबाइल से क्राइम हुआ है बट मेरी ये एप्लीकेशन है मैंने रिसीविंग ली हुई है, तो इससे आप बच सकते हैं। सर युवाओं को सिविल सर्विसेज के बारे में मतलब प्रिपरेशन करने के लिए किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं और प्लान भी कैसे होना चाहिए या फिर किस तरह से उसको रख सकते हैं? देखिए अगर 12th के स्टूडेंट्स हैं तो उनको सबसे पहले अगर सिविल सर्विसेज में जाना है तो सब्जेक्टों को चेन इतने बड़े ह्यूमैनिटी ग्राउंड के अगर आप सब्जेक्ट लेंगे, जो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स होते हैं अगर आप देखेंगे वो आर्ट्स के जो होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और पॉलिटी, मतलब दैट इज अल्टीमेटली आप देखेंगे तो GS में जो कवर होता है, जो सिविल सर्विस अगर आप देखेंगे कवर जो कवरेज है वो इनका बड़ा इफेक्टिव होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा नंबर्स का होता है, तो सब्जेक्ट को सिलेक्ट करें क्योंकि अब पता चलता है कि किसी ने इंजीनियरिंग किया हुआ है और बनना उसको UPSC सिविल सर्विस में जाना था
11th में बायोलॉजी ले लिया, उसके बाद फिर डॉक्टर बन गया और फिर एकदम सिविल सर्विस में आ गया। अगर आपकी प्लानिंग अगर आपको पहले से बनना है तो क्यों ना ऐसे सब्जेक्ट लिए जाए जो आपके लिए हेल्पफुल रहे और वो सब्जेक्ट्स आप पहले से ही पढ़ रहे होंगे तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। जनरल स्टडीज को टारगेट रखते हुए सब्जेक्ट लें, और अगर आप ऑलरेडी ले चुके हैं, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के बाद आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक बात बड़ी ध्यान रखनी होगी, कोचिंग सारी अवेलेबल हैं और सभी कोचिंग्स में बाय एंड लार्ज ठीक ठाक मतलब सब्जेक्ट सिलेबस को लेके आपको स्टडी मतलब कराई जाती है। इम्पोर्टेंट ये है स्वयं पर विश्वास रखना, कभी अपने आप को टूटने नहीं देना। ये जिस तरह से सुख आते हैं दुख आते हैं, उतार चढ़ाव लाइफ का एक पार्ट होता है, आपको लगातार कड़ी मेहनत करनी होगी। मेरे पहले अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू दिया था, सेकेंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स भी निकला था, और उसके बाद थर्ड अटेम्प्ट से मेरी 16th रैंक आई थी, फिर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी प्रीलिम्स निकला, उसके बाद लास्ट 3 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स ही निकला यूपीएससी का। बट ये सब आपके लाइफ में होता है, इट्स ए पार्ट ऑफ योर लाइफ, तो इसको पार्ट मानते हुए, ये प्रक्रिया का हिस्सा मानते हुए कि प्रोसेस जो हम जो कर रहे हैं प्रोसेस उसका एक पार्ट है, उसका एक हिस्सा है, तो आप निश्चित रूप से आप यकीन मानिए हर आपकी अगर आप मेहनत करते हैं, मेहनत कभी भी विफल नहीं होती है। आप जितनी मेहनत करेंगे परिणाम आपको उतना मिलेगा। पर ये याद रखना, जिस तरह न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हम जितनी क्रिया करते हैं उतने की ही प्रतिक्रिया हमें मिलेगी, हम जितनी मेहनत करेंगे परिणाम है उतने का ही मिलेगा। चमत्कार कुछ नहीं होता, लक कुछ नहीं होता, जब हमारी कड़ी मेहनत का परिणाम सफलता होती है उसी को लोग चमत्कार कहते हैं। बट चमत्कार बाय एंड लार्ज कुछ नहीं होता, आपकी कड़ी मेहनत ही जब सफलता लेकर आती है उसी को लोग बोलते हैं कि साहब चमत्कार हो गया, बट वो चमत्कार नहीं होता, वो आपकी मेहनत का परिणाम होता है। तो सभी स्टूडेंट से मेरा यही कहना है, इफ वन कैन डू देन अनदर कैन डू, अगर एक व्यक्ति कर सकता है तो फिर सभी लोग कर सकते हैं। और इसमें केवल मेंटल गेम है, क्योंकि सिलेबस वही है, कोचिंगें भी वही है, टीचर्स भी वही पढ़ाने वाले हैं, पेपर भी वही है, फिर कुछ क्यों लोग सिलेक्ट होते हैं, बाकी क्यों नहीं हो पाते हैं, तो कहीं ना कहीं स्वयं में झांकने की ज़रूरत है, अपने ओरिएंटेशन को चेंज करने की ज़रूरत है। बार बार हम मेंस में निकाल नहीं पा रहे हैं, अगर मेंस नहीं क्लियर हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी राइटिंग स्किल्स अपनी वीकनेस को पहचानने की ज़रूरत है, और अपनी स्ट्रेंथ को और मजबूत करने की ज़रूरत है, और अपनी जो वीकनेस है, वीकनेस ऐसी होती है कई के उनको आप स्ट्रेंथ के रूप में नहीं डेवलप कर सकते वीकनेस को, लेकिन वीकनेस को इतने लेवल पर ला सकते हैं कि वो आपके सक्सेस में हिंड्रेंस ना बने। राइट, सो ये सारी चीज़ें हैं, और मैं ये कहना चाहूँगा स्टूडेंट्स को, अटेम्प्ट द एंड एंड नेवर स्टैंड टू डाउट, अटेम्प्ट द एंड एंड नेवर स्टैंड टू डाउट, नथिंग इज सो हार्ड, योर सर्च विल फाइंड इट आउट।